बेस है श्री गंगानगर जिले के टॉप क्लास 5 का। श्री गंगानगर जिले से जांच के लिए भेजे गए 206 सैंपल में 200 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष बचे 6 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आज शाम तक जिला अस्पताल पहुंच जाएगी। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एस कामरा ने जानकारी देते हुए बताया कि भेजे गए 206 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से 200 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि आज 16 सैंपल और जांच के लिए भेजे गए हैं। श्रीगंगानगर जिले से अभी तक कुल 222 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें 22 सैंपलों की रिपोर्ट अभी जिला अस्पताल के पास नहीं पहुंची है। डॉक्टर कामरा ने बताया कि जिला अस्पताल में 14 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, जिनकी समय समय पर जाँच की जा रही है। श्री गंगानगर जिले में सीमावर्ती नेमंडी गढ़साना थाना पुलिस द्वारा कल देर शाम को अवैध हथकड़ बनाने के लिए बेहद कुख्यात ट्रक 22 एमडी में बड़ी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी विजेंद्र सिला की अगुवाई में लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मियों ने इस गांव को घेरकर अवैध रूप से लगी अनेक शराब की भट्टियों को तोड़ दिया। जमीन में दबाया हुआ लगभग 5000 लीटर लहान भी नष्ट किया। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव में छापामारी करने से पहले ड्रोन कैमरा से रैंकिंग की गई कि कहां कहां शराब की नाजायज भट्टियां लगी हुई है। इसके बाद एकाएक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मौके पर भट्टियां जलाने वाले तो नहीं पकड़े गए, लेकिन लगभग 2 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान अनेक भट्टियां नष्ट कर दी गई, हजारों लीटर भी नष्ट किया लहान। वर्तमान में जिला श्री गंगानगर में रबी फसलों की कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी है। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के चलते किसानों को अपनी जींस मंडी में लाकर बेचने की व्यवस्था को सुचारू एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए किसान ई पास की व्यवस्था श्री गंगानगर की मुख्य अनाज मंडी में लागू करने के लिए अनुमति जिला कलेक्टर श्री प्रसाद एवं नकाते द्वारा आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी की गई है। यह योजना राज्य में श्री गंगानगर जिले के में सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जा रही है। इस प्रक्रिया में आढ़तिया के द्वारा कृषक की ओर से किसान ई पास एप गूगल प्ले स्टोर से लिंक RSMP राज कनेक्ट मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर किसान का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन मंडी प्रांगण में आवंटित फर्मों को रोटेशन वार ही करना होगा। श्री करणपुर के गांव धनूर में भगत सिंह यूथ क्लब 6वीं द्वारा गांव के बाहर से अनजान और गैर जरूरी लोगों का आना जाना हुआ बंद। किसी भी अनजान व्यक्ति के गांव में आने पर पूर्ण जांच पड़ताल कर उसकी पूरी जानकारी लिखी जाती है, ताकि कोई समस्या ना हो। और वहीं PNB बैंक के बाहर उपभोक्ताओं की कतार को भी यूथ के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में सहयोग दिया एवं व्यवस्थाओं को संभाला। तेजपाल कड़ेला ने बताया कि सरपंच अजायब सिंह व पुलिस प्रशासन का भी सराहनीय सहयोग रहा। कोरोना वायरस की महामारी बीमारी में गांव धनूर की युवा टीम का काफी सहयोग रहा है। अनूपगढ़ के पतरोड़ा में लॉकडाउन के दौरान जनधन खातों में आने वाले रुपयों ने कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है। पतरोड़ा के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर लोगों को अनियंत्रित भीड़ ने अपने खातों से रुपयों की निकासी की। बैंकों से लेन देन को सुरक्षित बनाने के स्टाफ की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आमजन परिस्थितियों में सहयोग नहीं कर रहा। वहीं भीड़ तादाद में खड़ी महिलाओं के लंबी कतारों के बावजूद प्रशासन और पुलिस के किसी नुमाइंदे ने पहुंचकर समझाइश के प्रयास नहीं किए। बैंकों के बाहर नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग जाने अनजाने में कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रशासन को शीघ्रता से इस ओर ध्यान देकर भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, ताकि इस महामारी से बचा जा सके करें। इसी तरह अन्य ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए द एफ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास दिए गए बेल आइकन का बटन को प्रेस करें।